नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम काजीरंगा में एलिफेंट सफारी करने आए हैं, बागोड़ी रेंज। 6 बजे का टाइम है। पीछे काफी लोग मैं देख रहा हूं आए हुए हैं, सामने लिखा भी हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 6:15 से 7:15 सफारी का टाइम है, उसके बाद एक और सफारी होता है 7:15 से 8:15 तक, 1 घंटे का। इवनिंग में एलिफेंट सफारी यहाँ पे नहीं होती। 860 स्क्वायर किलोमीटर में काजीरंगा नेशनल पार्क फैला हुआ है। यहाँ पर राइनो तो आप जानते ही हैं वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा हैं, एट द सेम टाइम टाइगर डेंसिटी भी हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड है। बस 10-15 मिनट यहाँ वेट करते हैं, देन विल प्रोसीड फॉर एलिफेंट सफारी देयर। पाँच बजे पहली सफारी स्टार्ट होती है, फिर 6 बजे, फिर 7 बजे। हम लोग को लगा 2 सफारी होता है, 6 और 7 बजे, और शाम के टाइम नहीं होती। अच्छा, हम 4 लोग बैठे हुए हैं, 2 हम और साथ में कपल है, ये आए हुए हैं कोलकाता से। तो एक एलिफेंट में एवरेज 4 लोग बैठते हैं। हाँ, अब अगर कपल है और एक बच्चा साथ में तो 3 भी बैठ जाते हैं। बड़ा मस्त और इन्जॉयबल एक्सपीरियंस है वो वाइल्ड पिग। वाओ, कितने नज़दीक से हॉक डियर को देख रहे हैं। कल जीप सफारी में तो हमसे 200 मीटर 100 मीटर दूर था, यहाँ तो एकदम सामने। अली भाई, ये नीचे जो इतने गड्ढे से बना हुआ है क्यों बन गया ऐसा? एलिफेंट जा रहा है ना। हाँ, अच्छा ये आओ, अच्छा मिट्टी नरम है तो एलिफेंट के मूवमेंट से पाँव यहाँ निशान बन गया। पेड़ के ऊपर एक लिजर्ड है, इसको क्या बोलते हैं ये देखो आप। ओहो, जबरदस्त, क्या बोलते हैं इसको? ऐसा में से गुई बोलता है, गुई। हाँ। एलिफेंट सफारी का बेस्ट पार्ट ये है कि कच्चे रास्ते से साइड साइड से निकलता है ना, जंगल के बीचों बीच, कोई फिक्स पाथ है नहीं, तो आप एनिमल के नजदीक तक जा सकते हो। हाँ। तो हमें अली भाई जो हमारे महावत है साथ में, उन्होंने बताया कि आपको हम राइनो नजदीक से दिखाएंगे। अली भाई, टाइगर के लिए भी काजीरंगा बहुत फेमस है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि महीना में एक आध बार टाइगर दिखता है कभी आपको? हाँ, दिखा। एक बार दिखता था महीना में? जनवरी महीने से। हाँ, हम 2 बार देखा। जनवरी से आपने 3 महीना में 2 बार देख लिया, बहुत बढ़िया। कितना नजदीक तक गए थे टाइगर के? जंगल है ना। हाँ, मतलब 5-7 मीटर। ओहो, राइनो के कितने पास, कितना क्लोजअप व्यू है राइनो के सामने। सिंगल हॉर्न राइनो, सो ब्यूटीफुल। पहला राइनो भी नजदीक से देखा और दूसरा भी बहुत नजदीक से। साढ़े 7 बजे हम एलिफेंट सफारी करके वापस आए, बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और लास्ट में एक 100 रुपये का मैंने गुच्छा ले लिया बनाना का, वो एलिफेंट को अपने हाथ से खिलाया, बड़ा प्यारा एनिमल, बहुत खूबसूरत।
राइनो को तो हमने जीप सफारी के टाइम भी कल देखा था, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा दूर था, और आज तो समझिए हार्डली हमारे से 10 मीटर दूर। और वहाँ हम आधा घंटा रुके, राइनो को देखा। व्हाट अ लाइफ टाइम मेमोरी। काजीरंगा तो आपके रेडार में होना ही चाहिए अगर आप वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं। तो असम टूर हम टोटल जर्नी 18 डेज की कर रहे हैं आज। हमारी जर्नी का काफ़ी दिन हो गए, आई थिंक 9 या 10 डेज हो चुके हैं हमको असम टूर करते करते। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और जाने वाले हैं ऑर्किड में। 8:30 या 9 o'clock तक पहुँचेंगे, थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम डे टाइम में देखेंगे, और उसके बाद हमारा प्लान है अर्ली लंच का। अब जोरहाट जाना है हमको, वहाँ से फेरी लेना है माजुली के लिए। अगर तो टाइम पे पहुँचे तो माजुली, अगर लेट हो गए पहुँचने में तो नाइट स्टे एट जोरहाट। अब यहाँ से चलते हैं फॉर ऑर्किड। ₹130 पर पर्सन एंट्री टिकट है, 2 या 3 या मोर पीपल के लिए। सिंगल पर्सन एंट्री ₹200। यहाँ पर 7 बजे ये पार्क खुल जाता है, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम 9:30 बजे से स्टार्ट होता है। इस समय 9:30 बजे हैं, वी आर ऑन टाइम। नमस्ते। नमस्ते। ये स्टार्टिंग, आइए इस तरफ से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है ग्रीन हाउस। यहाँ पे हमने मोर देन 600 ऑर्किड कंजर्व किए, और यहाँ पे जितने भी ऑर्किड है हमने एंटायर नॉर्थ ईस्ट से कलेक्शन किए। सुपर। ये असम का स्टेट फ्लावर है कोपोफुल। ये बिहू के टाइम ब्लूम होते हैं, उस टाइम लड़के इसके फ्लावर को हेयर बन में लगा के बिहू डांस करते समय लगाती है। वाओ। ये सिलोजाइनी फ्लासिडा। ये डेंड्रोबियम नोबाइल, ये सिक्किम का स्टेट फ्लावर है। ये सिम्बिडियम ऑर्किड से। ऑर्किड में टूरिस्ट क्या क्या कर सकते हैं रूपम भाई हमारे को दिखा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे कैक्टस का वैराइटीज है, जो असम में 10-12 से वैराइटीज है, और लोकली और ज्यादा से ज्यादा तो राजस्थान का कलेक्शन है। और यहाँ पे स्टूडेंट और बच्चे लोगों के लिए बस ये रखा हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं यहाँ पे। एजुकेशन पर्पस के लिए। एजुकेशन पर्पस के लिए, हाँ सही। वेरी गुड। देखो ये कैसी कैक्टस वैरायटी है। बताओ। ये एक्चुअली ड्राम जैसा लगता है, बहुत बड़ा ड्राम जैसा, आप भी देख सकते हैं। ये सुई जैसा भी है, एकदम सुई जैसा, और उसका फूल भी आप देख सकते हैं, बहुत ये असम के अंदर जितने मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो होते हैं, इन्होंने बताया सबकी कलेक्शन यहाँ पर इन्होंने करी हुई है, टूरिस्ट आए देखे समझे। वेरी गुड। बहुत सारे हैं हमारे पास, 580 से भी ज्यादा वैरायटीज है इसमें। wow. तो आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली बाहर में भी बहुत अवेलेबल रहता है, और इसका हेयर ऑयल भी बहुत अच्छा आता है। और लेकिन हमारे यहाँ पे जो होता है, हम सब्जी बना के, चटनी बना के, जूस बना के खाते हैं इसको। अच्छा। अलग तरीके से खाते हैं इसको। wow. ये तो सतावड़ी है जो है, और ये जो होता है ना हार्ट पेशेंट के लिए, डायरिया डिस्पेप्सिया के लिए इस्तेमाल होता है, उसका रूट इस्तेमाल होता है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत इस्तेमाल करते हैं इसको। ये फ्रूट से, ये जैसे सिंदूर का ट्री बोलते हैं, तो उसके जो कलर होते हैं कपड़ा वगैरह कलर करने के लिए, खाने के कलर में इस्तेमाल होते हैं, आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, तो ये हमने ऐसे हाथ से किया तो रेड कलर हो गया। डायरेक्टली फ्रूट नहीं खाते, उसका कलर निकाल कर मिठाई वगैरह जो होता है उसमें डालते हैं, डायरेक्टली इसको नहीं खाते। एक्चुअली ये येलो वुड है, जो हमें अगर बोलते हैं इसको, तो इसका जो स्टेम्स वगैरह जो होता है, उसका दुनिया का सबसे वाला महंगा वाला जो कॉस्मेटिक परफ्यूम जो होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। स्टेम काम आता है या लीफ काम आता है? स्टेम काम आता है। अच्छा। और ये जो होता है आपका असम से बाहर कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, असम में ही बहुत अवेलेबल रहता है। ये वेजिटेबल फंड है, तो हमारे पास सब्जी बनी थी, सब्जी बना के खाते हैं इसको। इसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर? यहाँ पे ढेकिया बोलते हैं, असम इसमें ढेकिया बोलते हैं, उसको सब्जी बना के खाते हैं आलू के साथ। असम में मिलने वाले स्पेशल धनिया का वैरायटी है ये, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा सा तोड़ के स्मेल करने के लिए। बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ वाकई। ये सारे टी गार्डन्स हैं, हम अभी बैम्बू गार्डन जा रहे हैं। इसलिए ये बैम्बू गार्डन है, इसमें असम का 54 वैरायटीज बैम्बू रखा हुआ है,
और ये जो है सबसे वर्ल्ड का सबसे छोटा वाला बेम्बो वेराइटीज है। तो ये वाला बेम्बो है बहुत अनकॉमन है, बहुत रेयर भी है, आसानी से मिलता नहीं है। आप कलर देख सकते हैं इसको, ये ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक बेम्बो बोलते हैं इंग्लिश में। फूड स्टार्ट होगा 11 बजे, तो मैंने अपने लिए ना दो पिठा ले लिया है जो ब्लैक राइस से बना है, और साथ में चाय। मुझे इन्होंने बताया ब्लैक राइस, गुड़ और तिल को इस्तेमाल करते हुए इसको तैयार किया गया। एकदम डिफरेंट टेस्ट है ब्लैक राइस। तो मैं यहां आने के बाद सेकेंड टाइम खा रहा हूं किसी रूप में, वेरी डिफरेंट। गुड़ और तिल के साथ काफी बेहतरीन। तो हम पेश करने जा रहे हैं कार्बी बेम्बो डांस लेम्पुम चौकसन। कैसे कार्बी लोग पहाड़ में खेती बाड़ी करने के बाद धान से चावल निकालते हैं, वही दिखाने जा रहे हैं डांस के जरिए। अब हम पेश करने जा रहे हैं मिसिंग ट्राइब्स के पास डांस, मिसिंग ऑनोनस्टर डांस। कैसे मिसिंग लड़के लोग घर पे ही कपड़ा बनाते हैं, वही दिखाएंगे डांस के जरिए। थैंक यू। अब हम पेश करने जा रहे हैं बिहू डांस ऑफ असम। बिहू हमारे असम का त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, और आप लोग भी अगर सहयोग करेंगे तो हम बहुत आनंदित होंगे। बाई गॉड, लंच तैयार है। थाली का साइज और इसके अंदर कितनी सारी वेजिटेबल्स है, जबरदस्त। अब दोस्त मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है और आप बताइएगा मैंने सही बोला कि गलत बोला। मसूर दाल, मिक्स भाजी, ये बताइए क्या? पपीता खार, ग्रेट। बीन्स, बीन्स। ये क्या? ये स्टार फ्रूट है। अच्छा, स्टार फ्रूट की सब्जी बनती है, जबरदस्त। ये आपका छोटा आलू, छोटा आलू है। भिंडी, भिंडी। करेला, करेला, ग्रेट। ये क्या? ये अरबी का पत्ते है। ओहो, अरबी के पत्ते की सब्जी, जबरदस्त। ये चटनी, आलू पितिका, पितिका, बैंगन पितिका, टमाटर का चटनी, ये क्या? लाई साग। ओहो, कल हमने रात में खाया था यहाँ पर लाई साग, जबरदस्त। ये बताइए? ये केला का फूल है। केला का फूल, और ये खाने वाला केला के साथ तिल। वाह, तिल के तो कितने कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, जबरदस्त। ये चावल कौन सी वैरायटी का है? ये जोहा बोलता है, जोहा चावल। जोहा चावल, जबरदस्त। असम के अंदर वेजिटेरियन फूड में इतनी वैरायटी है कि पूछो मत। मैं जैसे जैसे एक्सप्लोर कर रहा हूं मेरे को लग रहा है यार ये भी नहीं खाया, ये भी नहीं खाया।
पिछले कुछ दिनों में हमने देख लिया असमीज फूड के अंदर दाल कंपल्सरी है। कहने का मतलब ये है रहती ही रहती है, अच्छी प्रिपरेशन है। लाई शाक मैंने कल भी खाया था रात में डिनर के समय, आज यहां पर दोबारा, लेकिन इसमें फर्क है, हाथ लगाते हैं मेरे को दिख रहा है इसको पहले बॉईल किया गया है, कल बॉईल नहीं किया गया था। ये लाई शाक एक्चुअली सरसों ही है, लेकिन यहां पर सरसों के तेल में बना और लीस्ट अमाउंट ऑफ मसाला, वेरी टेस्टी। स्टार फ्रूट से बनी हुई सब्जी मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। शकरकंदी के साथ जनरली स्टार फ्रूट मिलता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। व्हाट अ किलिंग कॉम्बिनेशन, दाल लाई शाक उसके ऊपर ये स्टार फ्रूट से बनी हुई सब्जी खट्टा, अरे क्या मस्त ऑर्डर है, मजा आ गया। आई एम वेरी हैप्पी, मैं सही कॉम्बिनेशन मतलब आई मीन बड़े सही फ्लो में एंजॉय कर रहा हूँ इस फूड को। इस जर्नी में मैंने केले की सब्जी भी खाई, तिल भी खाया, लेकिन दोनों एक साथ यहाँ पर। बड़ा ज़बरदस्त हेल्दी फूड है, आप देखो ऑयल मिनिमल यूज और टेस्ट के तो क्या कहने, हर चीज़ का डिफरेंट टेस्ट है, मतलब समझ लीजिए एक नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं मेरे को असमीज क्यूजीन के। खार मैंने सुना पेट साफ करने के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है, मौका नहीं मिला मेरे को इसका पूरा प्रोसेस समझने के लिए कि खार को कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी हम कुछ दिन और हैं यहाँ पर, कोशिश करूँगा इसको मैं डिटेल में समझ सकूँ। फिलहाल खार इंजॉय कर रहे हैं पपीता के साथ, मुझे बताया गया इसको कम क्वांटिटी में खाओ अगर आप पहली बार खा रहे हो। टेस्ट वाइज तो पपीते के हल्का हल्का टेस्ट आता है, लेकिन खार का टेस्ट पहचानना पड़ेगा तीन चार बार खा के। बीन्स के साथ करेले, अच्छा कि इन्होंने थोड़ी थोड़ी सर्विंग क्वांटिटी दी जिससे कि आप रिलिश करके पूरा फूड इजिली फिनिश कर सको। करेला वैसे मेरा फेवरेट नहीं है, मैं कम पसंद करता हूँ। अब हम धीरे धीरे इस फूड को फिनिश करते हैं और पैरेलली सामने डांस प्रोग्राम हो रहा है उसको भी इंजॉय करते हैं। यहाँ आने का मेरे को बहुत मज़ा आया, ग्रेट फूड और कल्चरल प्रोग्राम देखा, बाहर हमने बायोडाइवर्सिटी पार्क देखा, ग्रेट टाइम स्पेंट हेयर एट ऑर्किड। फाइनली हम 2 बजे काजीरंगा से जोरहाट जाने के लिए निकल रहे हैं। सुबह तो प्लान ये था कि नाइट स्टे माजुली में करेंगे, लेकिन अब वैसा नहीं हो पाएगा क्योंकि जोरहाट से जो लास्ट फेरी जाती है वो हम मिस कर देंगे। सामने जो आप मार्केट देख रहे हैं इस जगह का नाम है बोका खाट। पूड़ी आलू और पेड़ा यहाँ का बहुत फेमस है, गाड़ी खड़ी करते हैं और चल के खाते हैं। सर ये बताओ कि इतनी जो चर्चा है यहाँ के आलू पूड़ी की, उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है, आलू आलू को बॉयल करके उसमें मिर्ची नमक और हल्दी डाल देते हैं और पूरा बॉयल कर देते हैं, कोई खासियत है उसमें तेल मिर्ची और तेल प्याज लहसुन नहीं चलता है। अच्छा, इनके किचन में आके मैंने देखा ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूड़ी को तैयार करने के लिए गैस कोयला लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, धान का भूसी है जो इस्तेमाल किया जाता है। जबरदस्त, फेमस पूड़ी आलू और मिर्ची की चटनी हमारे सामने है, बनाना लीफ पे सर्व किया गया, अब इसको खाया जाए और आपको बताया जाए इसका टेस्ट कैसा है। थोड़ी देर पहले जब मेरे को यहाँ पे ओनर बता रहे थे आलू बनाने के लिए सिर्फ नमक और हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल गार्लिक नहीं रहता, तो सुन के थोड़ी हैरानगी हो रही थी, लेकिन जब मैं खा रहा हूँ ना
तो ऑब्वियसली आपको एक बार के लिए तो डिफरेंट लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम टेस्ट मज़ेदार लग रहा है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा कोई भी चीज़ मिसिंग है इसमें। सिर्फ आलू पूड़ी यहाँ पर इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन है अगर हरी मिर्च की चटनी नहीं होगी, क्योंकि हरी मिर्च की चटनी एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का टेस्ट ऐड कर रही है इसके अंदर। मिर्ची में मिर्ची कम है, फ्लेवर ज़्यादा है, ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हालांकि सिंपल है लेकिन काफ़ी डिफरेंट है। पूड़ी का स्वाद ले लिया, अब पेड़े का स्वाद लिया जाए। ये देखिए आप पेड़े को नज़दीक से, बहुत सॉफ्ट है, देखिए कितनी आसानी से प्रेस हो रहा है। पूड़ी आलू मिर्च के साथ खा लेने के बाद इससे बेहतरीन एंड टू दी मील नहीं हो सकता मेरी नज़र में। पेड़ा एकदम फ्रेश है, मतलब मावा इसका ताज़ा ताज़ा बना है, ये तो खा के एनी टाइम फील हो रहा है। कल रात को हमने सोचा था कि हम काजीरंगा से सुबह 10-10:30 बजे निकलेंगे और जोरहाट दोपहर में 1:30-2 बजे तक पहुंचकर हम माजुली के लिए फेरी ले लेंगे। आपकी जानकारी के लिए, माजुली वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। काजीरंगा से निकलते हुए हमें दोपहर हो गई, तो वहां ही हमें समझ में आ गया कि हम माजुली आज नहीं जा पाएंगे, क्योंकि माजुली जाने के लिए लास्ट फेरी 4 बजे जाती है और अगर आप गाड़ी लेके जाना चाहते हैं तो आपको 2:30 बजे तक तो पहुंचना ही चाहिए जोरहाट फेरी पॉइंट। इस रीजन की वजह से आज का नाइट स्टे हमारा जोरहाट में। जल्दी मिलेंगे नए और एक्साइटिंग सफर के साथ, जिसमें आप देखेंगे हमारा माजुली का सफर। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून। Oh, 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 oh